आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ लाहौर के लंदन लाहौर। तो जी सर्विस का काम जो है वो गाड़ी का जारी है और आज की टू डू लिस्ट में ये पहला काम था। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस जब भी मैं किसी लंबे सफ़र पे जाता हूँ ना तो मैं बाइक हो या गाड़ी उसको अच्छे तरीके से सर्विस ज़रूर करवा लेता हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ लाहौर। ये एक पेंडिंग व्लॉग था जो कि मैंने रमज़ान में बनाया था और इसको पोस्ट मैं कर रहा हूँ अब। काफ़ी दोस्त और कुछ सब्सक्राइबर्स गिले शिकवे लेके बैठे हुए थे कि यार वीडियोस नहीं आ रही, व्लॉग्स नहीं आ रहे, आपने यूट्यूब छोड़ दिया है, क्या चक्कर है। तो यार यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा, सही है। ईद के बाद आपको पता है इमरान खान जब अरेस्ट हुआ इंटरनेट फैसिलिटीज़ वैसे भी अवेलेबल नहीं थी और मेरा फ्लो टूट गया था बिल्कुल ही। तो तीन दिन जो हैं जुम्मा हफ्ता और इतवार, इन तीन दिनों मुझे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल छुट्टी होती है। जुम्मे वाले दिन वैसे छुट्टी तो नहीं होती लेकिन कभी यूनिवर्सिटी छुट्टी दे देती है, कभी मैं कर लेता हूँ। तो इन तीन दिनों में मेरी कोशिश रहेगी लगातार व्लॉग्स जो हैं वो पोस्ट करूँ यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते और एक्चुअल व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या है तो 770 लाहौर के लिए जो है वो मैं निकलने ही वाला था कि पार्सल जो है वो मेरा आ गया। तो आए अब आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगवाया। ये वो चीज है जो मैंने मंगवाई थी और देखते हैं ये किस तरह का। क्वालिटी तो अच्छी है और इसका बेनिफिट क्या है जी, ये देखें ये चीज़ है ना, मज़े की कमाल की चीज़ है। अब इसको मैं गाड़ी के स्टेयरिंग पे लगाऊं, जहाँ पे भी लगाऊं नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जनाब तैयारी हो गया मुकम्मल, हमज़ा को मैंने बुलाया ताकि वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे और अब जो है वो बैग शैग इधर रेडी हैं, उठाएँगे और अब हम जाएँगे। कूली नंबर वन चल आ जा भाई। हाँ गाड़ी पे जाऊंगा। क्या यार वो पता नहीं किसके कौन रख गए इधर जूते, कोई समझ नहीं। मैंने भी ऊपर उठा के साइड पे रख दिए। फिर बाइक आई विल मिस यू अलॉट। यस ठीक है डियर, हम मिलेंगे, तुम मेरे बगैर कैसे जियोगे। जैसे रह रहा हूँ पढ़ना चल ठीक है ओके। हमज़ा को और अपने बाइक को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद मैं निकल पड़ा लाहौर के लिए। तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इसके पास तो पुरानी गाड़ी है, भाई इस गाड़ी को हल्के में मत लेना, चलो आओ तुम लोग को इसकी स्पीड दिखाता हूँ। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई हालत अब खस्ता होती जा रही है। तो मैंने देखा मुरीदके के पास ही एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे रुका, मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, थोड़ा सा रेस्ट किया वहाँ पे छाँव में, क्योंकि स्टिल धूप पड़ रही थी गाड़ी में और नॉन एसी वाली गाड़ी थी भाई, सीधी सी बात है, और हालत काफ़ी खस्ता थी क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था। तो काफ़ी थकने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ मुरीदके, यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प था तो मैंने सोचा घर जाने से पहले थोड़ी सी अपनी हालत दुरुस्त कर ली जाए, बिकॉज नॉन एसी वाली ये गाड़ी है तो सारे रास्ते धूप पड़ती रही है, रोज़ा भी रखा हुआ था। तो गाइस सफ़र में जो मैंने एक चीज़ नोट की, कभी भी जीटी रोड या हाईवे पे कभी भी बाइक हो या गाड़ी हो भाई आप दरमियान में कभी भी ना चलाओ क्योंकि आज जो लोग भी दरमियान में चला रहे थे ना, मतलब पीछे से गाड़ियाँ आती थी स्पीड में और उनको जो दरमियान में चला रहे थे ना उनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ना वो इधर के तो ना उधर के, और उनका पता भी नहीं चलता कब वो इधर कर ले और कब वो इधर कर ले। मोस्टली जो बाइक वाले सुन रहे हो ना यार जीटी रोड और हाईवे पे प्लीज़ स्पीड लाइन वाली तरफ ना चलाया करो भाई, अपने जो दूसरी लाइन होती है ना यानी राइट साइड पे आप ना चलाएं, ना ही मिडल में चलाएं, दूसरी लाइन पे चलाएं, वहाँ पे जितनी मर्ज़ी स्पीड मारें, क्योंकि बाइक की और गाड़ी की स्पीड में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। कोई जितना मर्जी कह ले जी मेरे पास तो होंडा है 125 है, मैं तो होंडा ही लैसा, मैं तो होंडा ही लैसा, लेकिन भाई गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर पहुँचने के बाद एक दो दिन रेस्ट किया, उसके बाद यार सोचा कि कुछ कपड़े वगैरह खरीद लूँ, तो फिर हम निकल पड़े जी कपड़े खरीदने के लिए। तो आए आपको दिखाते हैं लाहौर की मार्केट्स कैसी हैं और वहाँ के रेट्स क्या हैं।
तो मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी थी जिसमें एक ब्रैंडिस नामी दुकान के बारे में बताया जा रहा था जो कि मेरे लाहौर वाले घर के करीब ही थी, कि उनके पास ब्रांड के कपड़े और काफी मुनासिब रेट हैं। तो मैं भाई पहुंच गया ब्रैंडिस पे ये देखने के लिए कि वाकई इनके पास कपड़े ब्रांडेड हैं और मुनासिब भी हैं कि नहीं। तो यहाँ से जो शर्ट मैंने खरीदी वो मुझे पड़ी थी तकरीबन 1100 में, और 1100 में मैं सेटिस्फाई था कि बहुत अच्छा स्टफ था, ब्रांडेड शर्ट थी, और जब भी मैं उस शर्ट को पहनता हूँ तो मैं खुशी फील करता हूँ कि यार मैंने कोई अच्छी चीज़ खरीदी थी और कम पैसों में खरीदी थी। अगर आप मेरी वीडियो लाहौर से देख रहे हैं तो आप ब्रांडीज पे लाजमी जाएं, ठोकर न्याज बेग वाली साइट पे ये शॉप है, इनका एड्रेस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। सच में इनके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मुनासिब भी। उसके बाद बिलाल ने मुझे बोला कि यार आओ आपको मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पे कपड़े काफ़ी ब्रांडेड होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम चले गए जी फिर वाप टाटा हूँ। बिलाल जो है हम घूम रहे हैं जी लाहौर की कौन सी गलियों में, हाँ भाई वापटा टाउन में हम घूम रहे हैं, सही है। हमने लेने हैं जी कपड़े ईद के लिए, नहीं वैसे ही फॉर्मल पहनने के लिए, कपड़े ख़त्म हो गए थे, पुरानी शर्टों में ब्लॉग बन रहे हैं ये वो। और इधर आके वापटा टाउन में एक चीज़ रियलाइज हुई है कि जो चीज़ आपको 800-900 में भी मिल सकती है ना, वो यहाँ पे 2700-3000-2500 ये सीन है। तो मेरे ख्याल से बिलाल साहब हमने कर दिया गलती यहाँ पे आके, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ले गया अब कहता है ऐसे ही है। तो ये इलाका जो है जी सही पोश वाम का इलाका है भाई वो, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहे कि वापटा टाउन गोल चक्कर वाली साइड पे जाना है कपड़े खरीदने के लिए, तो भाई पहले जेब पे हाथ रखना, जेब से इजाज़त लेना, वॉलेट से पूछना कि हाँ भाई चलना है, तो फिर निकलना सफ़र पे, वरना इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। मैं विज़िट करूँ अगर मुझे कोई ऐसी शॉप मिलती है जहाँ पे ब्रांड के कपड़े जो हैं वो सस्ते में मिल रहे हुए, तो उस शॉप को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा भी और उसका एड्रेस भी आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग की कोई हेल्प हो सके। लो जी बालू फॉर सेल, वाइट वाला 3000 का, रेड वाला 6000 का, पिंक वाला कोई पता नहीं होगा, कुछ 2500-2600 का। अगर कोई मेरा अमीर तरीन सब्सक्राइबर है जिसके पास बहुत पैसे हैं और जिसको ब्रांड पहनने का बहुत क्रेज़ है, तो उसके लिए ये एरिया जो है नेमत समझ लो, उसकी तो ईद हो जाएगी यहाँ पे आगे, मतलब उसको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ब्रांड्स है, आउटफिटर्स भी है, चारकोल भी है, डाइनर भी है, और कौन सा था यहाँ, ये यूनिवर्स भी अभी गुजरा है, स्टारलेट भी है, क्या सारे आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप यहाँ पे आके ईद की अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। खैर वापटा टाउन से तो मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया क्योंकि कपड़े तो पसंद आ रहे थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में थे। अब अर्बन स्टूडियो नाम की शॉप, वो काफ़ी फेमस है, ब्रांडेड शॉप है, ठीक। फिर वही शॉप मुझे मुगलपुरे वाली साइड में मिली अर्बन स्टूडियो वालों की, और फिर वहाँ से मैंने शर्ट्स वगैरह खरीदी, अच्छे डिस्काउंट थे, अच्छा कपड़ों का स्टाइल था और मज़ा आया मुझे शॉपिंग करके। कुछ कपड़े जो थे वो मैंने अर्बन स्टूडियो से खरीदे और कुछ कपड़े मैंने खरीदे जी लिवाइस से। तो अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो कपड़े दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ से खरीदे। तो जी यही था मेरा लाहौर वाला व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन वीडियोज़ आएंगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। के लंदन द होट।